अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ये है जी, गंदम की सफाई के लिए गंदम छानना, गंदम की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है जी। ये मजबूत और शानदार चीज़ है। इसका ये जी केम सिस्टम होता है, जिसने डोली को वर्क करवाना होता है। ये इसकी एडजस्टमेंट होती है, जहाँ पे ये इसकी, और ये जी इसका कब्जा होता है जो डोली के साथ अटैच होता है। इसमें भी हमने बैरिंग लगाए होते हैं, तो ये आवाज़ नहीं बिल्कुल भी करता, स्मूथ चलता है। इसकी जी डोली की बात करें तो डोली इसकी चार होती है, चार डोली है, 1 2 3 4। इसमें तीन डोलियों में जाली लगी होती है, और जो सबसे एंड पे है उसमें ट्रे बनी होती है, मिट्टी वगैरह उसमें निकलती है। यहाँ से जी इसका गाला कंट्रोल करते हैं, गंदम को ऑन ऑफ कर लिए। ये गाला सिस्टम होता है इसका। ये दो के एंगल में बना हुआ है जी, और ये गंदम की सफाई बड़ी बेहतरीन करता है। ये जी इसका बॉक्स है, जहाँ से गंदम इसके अंदर वर्म की इंटर होती है, यहाँ से अंदर इंटर होगी वर्म के, जहाँ पे वो मिट्टी वगैरह रोड़ी वगैरह या जो भी गंदम के अंदर होता है उसको मसल के तो बाहर निकाल देता है। वरन इस जगह से बाहर निकाल देता है, यहाँ से तो जो साफ होके गंदम आनी होती है इसकी, वो जी यहाँ से आनी होती है, यहाँ से साफ गंदम बाहर आनी होती है। वरम को हमने P206 के बैरंग लगाए हैं, तो ज़्यादातर कस्टमर हमारे पूछते हैं इसको ग्रीस कहाँ से करनी है। तो ग्रीस इसका करने का तरीकाकार है जी, वो ये निप्पल लगा होता है ग्रीस वाला, यहाँ से ग्रीस गन के जरिए बैरंग को ग्रीस होती है। ये सभी बैरंग को लगा होता है गंदम छानने में, जितने भी हैं मैं एक एक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ बाकी भी। दूसरा जी, ये केम वाले जो बैरंग है इनको भी ये ग्रीस निप्पल लगा हुआ है, नजदीक करके दिखा देता हूँ अगर आपको। ये ग्रीस निप्पल है जी, ये ग्रीस गन के जरिए इसको ग्रीस करते हैं। और यहाँ पे ये है जी, ये ग्रीस निप्पल है, इस यहाँ से इसको ग्रीस करते हैं। तो दूसरा जो केम वाला बैरंग है जी, केम वाले बैरंग को ये काबले लगे हुए हैं, कप के दो काबले हैं, इसको खोलेंगे तो इसके अंदर बैरंग होता है। ये कप खोलने से सामने बैरंग नजर आ जाता है, इसको ग्रीस जो है ना ये इस तरह से करते हैं। इसके बाद जी वरम वाला दूसरी साइड का बैरंग आ गया। ये बैरंग को जो ये लगा हुआ है ग्रीस निप्पल, जहाँ से इसको ग्रीस करनी है। ये फैन वाला जी बैरंग, फैन वाले बैरंग के भी ठीक उसी तरह ये ग्रीस निप्पल लगा हुआ है। ये जी इसका ये ग्रीस निप्पल है। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताता चलूँ, बाज टाइम होता ये है कि बैरिंग की जो एलकी हैं वो लूज हो जाती हैं, तो जिससे आवाज करना शुरू हो जाता है गंदम छानना। उसका तरीकाकार ये होता है कि इसमें हर बैरिंग में एलकी बोल्ट लगे होते हैं दो, तो उनको वहां से टाइट करना होता है। ये सिंपल है, 1 मिनट लगता है। ये देखें, ये जो है ना ये एल की बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है? तो ये हर बैरिंग में दो दो एल की बोल्ट होते हैं, इसमें ये एक है, दूसरा ये है जी। तो यहाँ से बैरिंग की जो है ना एल की, ये टाइट कर देते हैं, तो आपकी जो आवाज़ वगैरह है जो एल की लूज होने की वजह से आती है वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। ये वर्म वाला है जी, इसको भी ठीक, ये एल की लगी हुई है, दूसरी ये लगी हुई है, ये सभी बैरिंग को लगी होती है। इसी तरह मैं आपको केम वाले दिखा देता हूँ। केम
केम वाले बैरंग को ये लगी हुई है, ये केम वाले बैरंग को लगी हुई है, ठीक है। तो ये सभी बैरंग को एलपी लगी होती है। इसको टाइट करने का तरीका आसान है, एलपी पाना आप लें, उससे इसको सिंपली जो है ना वो टाइट कर दें। तो ग्रीस करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, और जो बैरंग लूज हो जाता है शाफ्ट पे एलकी है वो भी आपको बता दिया। ये बैक साइड है इंजीन की, यहाँ पे इसकी मोटर लगनी है, और ये गर्दों गुबार के लिए ब्लोअर वाला पाइप यहाँ से आएगा, ठीक है। तो डोली में हमने एडजस्टमेंट भी दी हुई है, वो यहाँ पे ये पट्टी है जी, दिखा देता हूँ। ये डोली की एडजस्टमेंट के लिए हमने ये वाली पट्टी दी हुई है। तो जो इसकी डोलियाँ हैं उनका जो फासला है वो कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। ये चारों जन्म लगी हुई हैं। ये जी गंदम छानना, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।